आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए गमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए, ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई है, तो अब क्या शुरू किया, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं, मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है, मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है। और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए, वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है, तब क्यों नहीं कानून बनाया। जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया। सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। इसलिए मौका मिलते ही मेरी माताएं बहनें, मेरे शब्द याद रखना, मौका मिलते ही एक गमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के गमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। इनकी वो सोच आज भी नहीं बदली है। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया का खेल खेलेंगे, ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा। माताएं बहनें एकजुट रहोगे ना, एकजुट रहोगे ना। आप याद रखिए,
ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया। ये लोग बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की सेनाओं के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की एंट्री को रोक कर रखा था। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है, आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं है। अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? क्या टॉयलेट नहीं बना सकते थे लोग? वो काम भी मुझे करना पड़ा, उनकी नीयत में खोट थी। अंधेरे का इंतजार करती माताओं बहनों को देखकर इनकी आंखों में क्यों पानी नहीं आता था? इनकी नीयत ठीक होती तो बहनों को धुएं में जीने को मजबूर होना न पड़ता।